हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग बाय एनएस। सो गुड मॉर्निंग। अभी क्या हो रहा है टाइम? तो इंडिया के समझ लीजिए एक एक बज रहे समथिंग, और यहाँ पर हो रहा है 10:20, 10:20। सो अभी मैं आज मेरा दूसरा दिन है कतर में, और मैं जस्ट अभी उठा हूँ थोड़ी देर पहले, और अभी शावर लिया हूँ और अभी चेंज कर लिया हूँ कपड़े, क्योंकि अभी मुझे शायद जाना है जहाँ पर मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा। सो अभी सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो इन लोगों ने दिया नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने बोला कि कल आपने ले लिया था तो इसलिए आप आज आपको नहीं मिलेगा। कल हराम साले कमीनों ने मेरे को दिया था 1 बजे ब्रेकफास्ट, तो मैंने लंच नहीं लिया, तो पता नहीं था मुझे। चलो ठीक है, वैसे मैंने तो खिलाया हूँ, साथ में म्यूसली वगैरह खा लूँगा मैं, तब वो कुछ है नहीं ब्रेकफास्ट का। सो अभी चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं लोग कब मुझे बुलाएंगे वहाँ पर जाने के लिए। तो रात में नींद बहुत मस्त आई थी, फुल इंजॉय से टीवी देखते हुए सो रहा था मैं, एकदम इंजॉय। धुनी आ रही थी, और आ रही थी दबंग 2। सो आज की ड्रेसिंग है ये वाली, ये तो इनकी चप्पल है। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness. वैसे तो ब्रेकफास्ट बहुत सारा है, रोटी है, फिर ये कल रात में जो डिनर में आया था डिज़र्ट वो है, फिर दूध है, फिर मेरा पीनट है, तो रोटी से पीनट लगा के खाता हूँ, मज़ा आती है बोल। तो अभी चलिए खा लेता हूँ पहले फास्ट फास्ट लगा के, फिर देखते हैं, शायद टाइम होने वाला है, वो बुलाने आएंगे। तो Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just... So, अभी ऐसा सीन है कि चेकआउट कर दिया हूँ मैंने, और अभी रिसेप्शन पर बैठा हूँ। मुझे जो ड्राइवर है वो कल पिकअप करने आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 मिनट का टाइम था। सो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पे रिसेप्शन पे बैठा हूँ मैं, वो आएगा मुझे, मैंने उसको अपना फ़ोटो पिक भेज दिया है। सो देखते क्या, तब तक वेट करते थोड़ी देर रिसेप्शन पे। मुझे ये अंकल पिकअप करने आए हैं, माशाल्लाह अच्छे दिख रहे बहुत। सो ये मेट्रो स्टेशन है, दिस इज एजेंट फॉर टोयोटा, टोयोटा शोरूम, अब्दुल्ला, अब्दुल जलील एंड अब्दुल गनी, अल अबुल अब्दुल गनी शोरूम है। This is three brother. They made showroom. They made Abdullah. There again for Abdullah Abdul Ghani. Yes, Abdullah Abdul Ghani. All in bros. So GMC again in left and me. You like games? Yes. So many. I games. Like big cars. You like? You will find so many big, bigger than games. Yacha. Yes, there is so many. So many car here, bigger. तो ये कतर एयरवेज है, यहाँ पर आई का अपशेप शेप बना हुआ है। सो मैं जा रहा हूँ वखरा, अल वखरा, राइट, या अल वखरा। दिस इज कतर एयरवेज, सी दिस इज बिग बॉस नाउ आल्सो। माशाल्लाह मस्जिद है यहाँ पे। मेट्रो आ रही है वहाँ पे। Now it will go down, see? Yeah. Now it will go down, underground. This place up to there, up. Okay. Up to Wakra. Now, if you see Wakra Road, this is our area. See? Yes, yes. Wakra Road. Here, everything with the signboard, everything with Google. So, यहाँ के जो ये वखरा में मैं इंटर कर चुका हूँ, ये जो विलास देख रहे हो आप, ये प्रॉपर कतरी जो मतलब
प्रॉपर रेसिडेंस होते हैं ना जो कंट्री के, वो लोगों का घर है यहाँ पे। तो पीछे जो गया था वो जो मैंने टोयोटा के शोरूम का बात किया था, अब्दुल्ला अब्दुल गनी का, उनका भी घर था वहाँ पर। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने मेरे स्पॉन्सर के घर पर, स्टडी सेंटर स्ट्रेचरी। ये सब देखिए मिला उनके। अच्छा, बस थोड़ी देर में आने वाला है घर। This one? Yes. It's a big one. Three house. It is big house. So, ये घर है इनका, वहां से जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहां से यहां तक इनका ही पूरा घर है। देखते हैं क्या होता है। अभी कोई आएगा मुझे पिकअप करने के लिए, अभी मैं वीडियो यहां पे स्टॉप कर रहा हूं, देखूंगा अंदर जाके घर जाने के बाद, क्या पता इन लोगों को अच्छा ना लगे। सो बाद में स्टार्ट कर दूंगा वापस घर में जाकर। तो अभी बंद कर रहा हूं, आगे देखता हूं क्या हो रहा है। अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको अंदर क्या होता है। सो हॉस्टल एंड और अब मैं बैठने जा रहा हूँ करने डिनर, जो कि डिनर जो घर से आया है। मेरे साथ है भाई, आपका नाम था हफीजुद्दीन, जो कि इंडियन है, और बाकी सब जो लोग हैं वहाँ पे, यहाँ पे ज़्यादातर बांग्लादेशी है। सो देखते हैं क्या होता है। अभी चलते हैं डिनर, लंच करते हैं और फिर थोड़ा इन्जॉय करते हैं। राइट, अब बज रहे हैं 2:10 हो रहे हैं इन कतर, और इंडिया में हो रहे हैं 4:40 हो रहे हैं। सो अभी मेरा जस्ट लंच हुआ है, और मैंने तो सोचा था कि मैं शायद से अकेला रहूँगा, बट नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। चलो एक चीज़ अच्छा है कि दिल लगा रहेगा बातें करते हुए, अकेले रहने से अच्छा है थोड़े लोग साथ में रहेंगे तो बातें होती रहेगी। सो अभी बहुत धूप तो बहुत टाइट हो रही है यहाँ पे। तो अभी मैंने दाल चावल और अचार खाया था नींबू का, और मिरिंडा पिया था छोटा बोतल। देखते हैं क्या क्या होता है। अभी तो यहाँ से वाईफाई मिलेगा अभी इंशाल्लाह। ये चीज़ एक अच्छी है कि वाईफाई बाजू में है, सो रेंज अच्छा मिलेगा, और अपलोड फास्ट फास्ट हो गया ब्लॉग। तो इंशाल्लाह ट्राई करूँगा डेली ब्लॉग शूट करने का। तो बहुत बड़ी फैमिली है, देखते क्या होता है। ऑस्ट्रेलैंड अब हो रहा है 3:30 हो रहा है कतर का टाइमिंग जो हो रहा है, और मैं निकला हूँ धूप में। तो सोचा चलो देखते हैं, थोड़ा नमाज भी पढ़ के आ जाऊँगा। नमाज के बहाने से मैं बोला घर भी आ जाता हूँ। सो अभी आज के बाद नहीं निकलूँगा, गंदी धूप है यार यहाँ पे। सो अभी इंशाल्लाह घर में ही पढ़ेंगे जो पढ़ना है नमाज, बाहर नहीं आऊँगा। साइड से चलता हूँ, बेचारे लोग पीछे मेरे, देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड पर, इतनी धूप में काम कर रहे यार, अल्लाह रहम करे। इतनी धूप में काम करना भारी पड़ता है भाई। सो मेरा कुछ सीन ऐसा है कि अभी तो एक डेढ़ महीना जाएगा प्रॉपर कुछ चीज़ समझने के लिए, जब तक के तो एंजॉय करेंगे बहुत सारे लोग यहाँ पे, अपने को तो अपना ही काम करने का बस। इंशाल्लाह अच्छे से रहेंगे, आप लोग भी दुआ करते रहना। सभी चलते हैं, मस्जिद आ गई है, नमाज पढ़ के फिर भी। सो ऑलराइट, अभी हो रहे हैं 7:22 इन इवनिंग, और मैं थोड़ी देर पहले ही जाकर अभी आके मगरिब की नमाज़ पढ़ के आया था। अभी फिर थोड़ी देर में ईशा का टाइम होने वाला है यहाँ पर, 7:50 की कुछ ईशा है। सो देखते हैं, अभी तक तो अच्छा लग रहा है, ठंडा है मौसम, थोड़ा सा अजीब लग रहा है बस। के ये एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे खाना और जो लोग हैं मेरे साथ रुके हुए, जो मतलब जो है वो सब हिंदी बोल रहे हैं, तो ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा है। 3-4 जन है बांग्लादेशी है और 2-3 इंडियन है, और खाना जो है वो यहाँ पे रेडीमेड मतलब बन के मिलेगा। एक जन है इंडियन ही कोलकाता से, वो खाना बना के देगा मुझे। सो ज़्यादा टेंशन नहीं हो सब चीज़ों का, बस आप लोग दुआ भी करते रहना इंशाल्लाह। आज तो यहाँ पे पहला दिन था, अभी इंशाल्लाह
दो साल और निकालना है यहाँ पर, फिर आएंगे इंशाल्लाह वापस इंडिया। सो अभी देखते हैं क्या होता है, आप लोग अपडेट करते रहूँगा मैं। चलते हैं अभी थोड़ा अंदर। सो GMC है ये, मेरे हाइट कम से कम 6'3" के ऊपर है, ये मुझसे ऊंची गाड़ी है, ये तो यहाँ नहीं है, यहाँ से तो मेरे से ऊंची है। और ये मेरे घर वाले जिसके घर में हूँ उसके ही भाई की गाड़ी है, मस्त चलाएंगे इसको भी एक दिन इंशाल्लाह। ये घर है, नाइट व्यू ऐसा है कुछ, सबके बंगले बड़े पड़े। सो ऑलराइट, अब बज रहे हैं 9:55 और अभी जस्ट हम लोगों ने डिनर किया है। डिनर में वही था, एक गोश्त का सालन था, सब्जी थी उसके अंदर और साथ में दाल थी, चावल था और सलाद था। सो अभी अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया है, खा लिया मैंने खाना और अब बस थोड़ी देर में सो जाएंगे क्योंकि सुबह फजर में जल्दी उठना पड़ता है यहाँ पे। जैसा लोग बोल रहे हैं कि फजर में उठना पड़ता है सबको, सो इंशाल्लाह फजर पड़े के फिर देखते हैं क्या काम होता है, कैसा भी रहेगा इंशाल्लाह अपडेट करूँगा। सो अभी थोड़ा घर पे बात कर लेता हूँ फ़ोन करके। सो व्लॉग को यहीं एंड करूँगा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो इंशाल्लाह जैसा भी रहता रहेगा मैं अपडेट करते रहूँगा आप लोगों को, बस आप लोग दुआ करते रहिएगा कि सब जो भी है जैसा भी है सब अच्छे से हो जाए इंशाल्लाह। फिर जब मैं आऊँ तो थोड़ा अच्छे से रहूँ, थोड़ा मोटा हो जाऊँ, ठीक है। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल व्लॉग बाय NS। टेक केयर।